नमस्कार, मैं हूं तोरल और आप देख रहे हैं तत्काल न्यूज लाइव। पीएम मोदी ने आज राजस्थान के सीकर में लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा कि आजकल लाल डायरी चर्चा में है। सुना है कि इसमें कांग्रेस के काले कारनामे दर्ज है। पीएम के बयान पर पलटवार करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम लाल डायरी नहीं, लाल टमाटर और राजस्थान में सस्ते लाल सिलेंडर की बात करनी चाहिए। बता दें कि पीएम मोदी ने इस लाल डायरी का जिक्र करते हुए कहा था कि इसके पन्ने खुलेंगे तो सरकार का डिब्बा गुल हो जाएगा। कांग्रेस ने सरकार के चलाने के नाम पर लूट की दुकान चलाई हुई है। लूट की इस दुकान का ताजा उदाहरण ही है ये लाल डायरी। पीएम मोदी के आरोपों पर गहलोत ने पलटवार करते हुए कहा कि लाल डायरी नहीं बल्कि लाल टमाटर और लाल सिलेंडर सस्ता करने की बात करें। चुनाव में जनता इन्हें लाल झंडी दिखाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में कहा, अभी जो प्रधानमंत्री मोदी का कार्यक्रम हुआ उसमें मुझे भाषण देने के लिए बोला गया था, लेकिन अचानक कल रात को मेरा भाषण हटा दिया गया। देश का जो संघीय ढांचा है उसके तहत जो भी काम होते हैं वह केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर करना होता है, यह अच्छा नहीं है। इसकी उनकी थी, परंतु हमने 500 रुपए सिलेंडर तय क्यों किया? उनको खुशी होनी चाहिए थी, प्राइम मिनिस्टर को उनका मीटिंग बोलना चाहिए था सीकर के अंदर कि मैंने सुना है कि जो योजना मैंने लागू की थी उज्ज्वला योजना और जो उद्देश्य लागू की थी कि महिलाएं तकलीफ आती है, धुआं होता है, फेफड़े खराब होते हैं, सोच करके मैंने योजना बनाई। मुझे खुशी रात देश में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने उस सिलेंडर को 500 रुपए में करने का साहस किया है, ये कहना चाहता हूं उनको। उनकी बात नहीं करेंगे, वो उनकी बात नहीं करेंगे। तो असली लूट तो मैं समझता हूं, असली लूट तो आपने लाल सिलेंडर को 1500 रुपए का करके मचा रखी है, लूट मचा रखी उन्होंने लाल सिलेंडर को। सिलेंडर का लाल है, वो डायरी का रंग लाल बता रहे, मैं बता रहा हूँ असली तो ये है आपके सामने। मैंने सुना लाल टमाटर जो है वो 150 किलो रुपए हो गया है, लूट उन्होंने मचा रखी है, वो लाल टमाटर है। प्रधानमंत्री जी को बजाय लाल डायरी की बात करनी, जो कबूल कल भी डायरी है, कोई डायरी है ही नहीं, उसको लेकर राजनीति हो रही है, उसके बजाय तो उनको चाहिए असली पे आए, लाल टमाटर लाल है। महंगाई की मार से आमदनी जो खत्म हो रही है तो गुस्से में लोगों का चेहरा लाल हो गया है, उसकी बात करते हैं कैसे मैं इनको राहत दे रहा हूं, वो बात नहीं करेंगे। चुनाव हमारे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को जनता आज सिग्नल दे चुकी है, सीकर के अंदर तो जनता समझ गई है, आने वाले वक्त में उनको लाल झंडी दिखा दी जाएगी। ये जो लाल झंडी लाल दिहाड़ी की बात करके जो षड्यंत्र किया गया सरकार के खिलाफ में, असेंबली के अंदर जिस प्रकार व्यवहार किया गया है, कहां तो मणिपुर, कहां राजस्थान, पूरा प्रदेश गवाह है। आज करीब 3 महीने हो गए वहां पर, 80 दिन ज्यादा दिन हो गए वहां पर, मणिपुर के अंदर वहां पर कितना अत्याचार हुआ है, महिलाओं पर बलात्कार हुए हैं, पूरी दुनिया के मुल्कों के अंदर बंद हो रही हमारी, और जिस रूप में वहां पर लगातार मारकाट मची हुई है, आपस में मार रहे एक दूसरे को, पुलिस तमाशबीन बनी हुई है, उसको लेकर जब नेशनल मीडिया ने जैसे ही वो वीडियो बताया जो वहां पर रेप का हुआ, निर्भया कांड से भयंकर रेप था वहां पर, जो दो बच्चियों के साथ किया गया, उससे घबरा करके जिस रूप में अपनी टोन बदली गई, सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया, घबरा करके प्रधानमंत्री को पहली बार मीडिया के सामने जाके बोलना पड़ा, और मुझे दुख इस बात का है और पूरे प्रदेशवासियों के स्वाभिमान पे छूट करी है। जब ये प्रताप सिंह जी ने कहा, क्या बताइए, कहां तो बड़ी बुरी घटनाएं हैं, आप यहां भी राजनीति करने नहीं चुके, और आपने क्या कहा कि मणिपुर के अंदर जो है, मैं मुख्यमंत्रियों को, मतलब मणिपुर के मुख्यमंत्री को तुलना कर दी राजस्थान के मुख्यमंत्री से, मणिपुर की मुख्यमंत्री चिंता तुलना कर दी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से, 3 राज्य के नाम लिए। मैं चाहूंगा तमाम मुख्यमंत्री मणिपुर के, पहला नाम लिया राजस्थान का, छत्तीसगढ़ का, फिर लिया मणिपुर का, वो चाहिए वहां पे महिला अत्याचार नहीं हो, उन्हें रक्षा करे। आप बताइए,
वो हमारे स्वाभिमान पे चोट थी वो भी। ये जो हालात जैसे बने इनको समझने की जरूरत हम लोगों को। मैं कहना चाहूंगा, जस्टिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये जो हम लोग 5 रुपए करने की हिम्मत दिखाई है, धीरे धीरे अन्य राज्यों को आगे आना पड़ेगा। मैंने सुना 2 राज्य तो आगे आ चुके हैं, उनको 5 रुपए करना पड़ा सिलेंडर। भारत सरकार को चाहिए उल्टा, जो योजना प्राइम मिनिस्टर की है वो योजना कमजोर कैसे हो सकती है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए कि उनकी खुद की योजना है, खुद ने प्रचार किया देश भर के अंदर, उस योजना में बजाय राज्य सरकार ने अपना खर्चा लगाया उसके ऊपर। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है ये, आप बताइए। सब मिलाकर के अभी तक तो हम 50 लाख, आप मिलाकर के 50 लाख महिलाओं को 215 करोड़ ये देंगे अभी जब डीबीटी होगी तब। आप बताइए ये भार हमारे ऊपर क्यों आए, आपको लेना चाहिए भार। और खुद जानते हैं महंगाई जमाना है, क्या हालात हो रहे हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग दिमाग में रखें कि किस प्रकार से आने वाले वक्त में हम लोग ये जो प्रचार कर रहे हैं, मुझे और कोई बात नहीं, राजस्थान के लोगों का मनोबल टूटता है जब मीडिया में आती खबरें सत्यता नहीं होती उसके अंदर, तो लोग कहते हैं ये क्या हो रहा है। तो ये आप सोच सकते हैं, राजस्थान में हमने सरकार बनते ही FIR कंपल्सरी करी मैंने पहली बार। उस दिन मैंने कहा था थानों के अंदर पहले होती नहीं थी, सर्वोत्कृष्ट बनाए, साथ में FIR को अनिवार्य रूप से लिखना पड़ेगा जाने जब फरियादी जाएगा वहां से। इतना क्रांतिकारी फैसला, तब भी मैंने कहा था इससे संख्या बढ़ जाएगी और मुझे उसकी चिंता नहीं है। मुझे चिंता है लोगों को न्याय कैसे मिले, ये सोच करके हम लोगों ने फैसला किया। उसी का दुरुपयोग हमारे खिलाफ में वो लोग कर रहे हैं। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा आपको कि आप लोग दिमाग में रखें। और अभी हम बैठे बात करेंगे कुछ साथ आप मेरा बहनों से बेटियों से, वो क्या सोचती है और उनका अनुभव हो, कोई डिफिकल्टी आ रही हो लेने के अंदर गैस सिलेंडर, या DBT टाइम पे नहीं हो रही है, क्योंकि DBT होती है टेक्निकल होती है, IT बेस्ड होती है, कई बार कुछ परसेंटेज को मिलती नहीं है DBT का पैसा, तो वापस सूचना आ जाती है हमारे पास में, फिर वापस हम लोग उनको पेमेंट कर देते हैं। उसमें देरी हो सकती है पर कोई घबराने की बात नहीं है, जो वादा किया हम लोगों ने, जो गारंटी दी है वो पूरी करके रहेंगे। यही बात मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, धन्यवाद।